हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस. इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 6. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 7. एस्टिमेटेड द फॉलोइंग टू बी नियरेस्ट 100. स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, इसको नियरेस्ट टू द 100 राउंड ऑफ करके ऐड करना है. लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 1.3. एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 7 फर्स्ट पार्ट. 326 प्लस 377. तो स्टूडेंट्स, हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, इट विल बी 300, और इसको जब राउंड ऑफ करेंगे इट विल बी 400. तो ये हो जाएगा 700. हमने क्या किया है, राउंड ऑफ, राउंड ऑफ हमने 326 को और 377 को नियरेस्ट टू दी 100 राउंड ऑफ किया है. नाउ मूव टू दी सेकेंड पार्ट, दैट इज 485 प्लस 186. तो स्टूडेंट्स, 485 ये राउंड ऑफ हो जाएगा 500, एंड दिस इज 200. तो ये हो गया 700. नाउ मूव टू दी थर्ड पार्ट, दैट इज 4160 एंड 4672. तो स्टूडेंट्स, ये राउंड ऑफ हो जाएगा 4200 एंड 4700. तो 4000 प्लस 4000 इट विल बी 8000, एंड 7 प्लस 2 इट विल बी 9. तो हो जाएगा आंसर 8900. क्या हो जाएगा, 8900. हमने क्या किया है, राउंड ऑफ किया है किसको, 4160 को प्लस 4672 को. तो ये हो गया 4700 एंड 4200 के, क्योंकि हमको नियरेस्ट राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट टू दी 100. ओके, नाउ मूव टू दी नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फोर्थ पार्ट. नाउ 1096 प्लस 9285 फिफ्थ पार्ट. एंड सिक्स पार्ट, सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू डू योर सेल्फ. इफ यू वॉन्ट टू टेक स्क्रीन शॉट यू कैन टेक, देन वी विल मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. ओके, मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 क्या है स्टूडेंट्स, एस्टिमेटेड द फॉलोइंग टू बी नियरेस्ट 1000. तो अब हमें जो राउंड ऑफ करना है वो नियरेस्ट टू दी 1000 होगा. 1, 10, 100, 1000, मतलब 1000 की प्लेस पे हमें इसको राउंड ऑफ करना है. इन आवर प्रीवियस क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स पार्ट इज योर होमवर्क. ओके, नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट, दैट इज 13709 प्लस 6268. ओके, अब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट टू दी 1000. तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा 14000 एंड इट विल बी 6000.
स्टूडेंट्स ये क्या हो गया 14 और 16 6000 दैट इज 20,000। 14,000 + 6,000 इट विल बी 20,000। नाउ मूव टू द सेकेंड पार्ट दैट इज 33,732 + 18,328 तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा 34,000 में। 33,732 राउंड ऑफ हो जाएगा 34,000 में और ये हो जाएगा 18,328 तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा 18,000 एंड दिस इट विल बी 34,000। 34,000 प्लस 18,000 इट विल बी 52,000। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज थर्ड पार्ट 37,165 - 20,298 तो ये किसमें राउंड ऑफ हो जाएगा स्टूडेंट्स 37,000 और 20,298 किसमें राउंड ऑफ हो जाएगा इट विल बी 20,000। 37 - 20 इट विल बी 17,000। ओके स्टूडेंट्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। हमें क्या करना था एस्टिमेटेड द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट 1000 तो हमने क्या किया नियरेस्ट टू द 1000 इनको राउंड ऑफ कर दिया 13,709 + 6,268 14,000 + 6,000 इट विल बी 20,000। 33,732 + 18,328 तो हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया 34,000 में और 18,000 में इट विल बी 52,000। यू हैव टू डू ऑल दिस पार्ट्स इन योर मैथ्स नोटबुक एंड लास्ट पार्ट फोर्थ दैट इज 85,164 + 23,759 इज योर होमवर्क। ये आपको अपना आप करना है फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट मैंने आपको करवा दिया नाउ फोर्थ पार्ट इज योर होमवर्क। ओके नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। अगेन क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है स्टूडेंट्स एस्टिमेटेड द फॉलोइंग बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू इट्स ग्रेटेस्ट प्लेस। Let's start with the first part that is 529 + 138 + 2216 तो students ये किस में round off हो जाएगा 529 it will be 500 + 100 + ये round off हो जाएगा 2000 में तो इसका टोटल सम क्या हो गया 2600 2000 + 500 इट विल बी 2500 + 100 इट विल बी 2600। नाउ मूव टू द सेकेंड पार्ट दैट इज 7226 - 382 तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 7000 और ये राउंड ऑफ हो जाएगा किसमें इट विल बी 400 तो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स दैट इज 6600। हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया 7000 में और 382 नियरेस्ट टू दी 100 इट विल बी 400 7000 - 400 इट विल बी 6600। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक देन वी विल मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। If you want to take screenshot, you can take. Then we will move to the next question. Question 10 of exercise 1.3. Okay, move to the next. Question number 10, first part. पहले हम question को read कर लेते हैं.
एस्टिमेटेड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, स्टूडेंट्स प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है, इट विल बी मल्टीप्लाई बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू इट्स नियरेस्ट 10. अब इस क्वेश्चन में हमको मतलब जो डिजिट दी हुई उसको राउंड ऑफ करके नियरेस्ट टू दी 10, देन वी हैव टू डू मल्टीप्लीकेशन. लेट्स स्टार्ट विद दी फर्स्ट पार्ट, दैट इज 8 × 64. तो नियरेस्ट टू दी 10, तो 8 राउंड ऑफ हो जाएगा 10 में और 64 60 में, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट 60. इट विल बी 600. नाउ मूव टू दी नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सेकेंड पार्ट, 53 × 39. तो स्टूडेंट्स 53 किस में राउंड ऑफ हो जाएगा 50 में और 39 इट विल बी 40. तो 5 4s are 20 एंड 2 0s ऑफ 50 and 40 इट विल बी 2000. नाउ मूव टू दी थर्ड पार्ट, 27 × 74. अगेन ये हो गया 30 में राउंड ऑफ एंड इट विल बी 70. तो 7 3s का क्या होता है 21 and 2 0s एज इट इज. नाउ मूव टू दी नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फोर्थ पार्ट, 78 × 44. तो स्टूडेंट 78 को हम किस में राउंड ऑफ करेंगे, इट विल बी 80 × 40, क्योंकि ये 5 से कम है, तो ये किस में राउंड ऑफ हो जाएगा 40 में. 8 4s are 32 and 2 0s एज इट इज, इट विल बी 3200. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फिफ्थ पार्ट, 45 × 62. तो 45 को अब किस में राउंड ऑफ करेंगे 50 में और 62 को 60 में. 5 6s क्या होता है 30 and 2 0s एज इट इज, इट विल बी 3000. नाउ मूव टू दी नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सिक्स पार्ट, 25 × 62. तो 25 को राउंड ऑफ करेंगे 30 में और 62 को 60 में. 6 3s are 18 and 2 0s as it is, it will be 1800. Students, if you want to take screenshot of question number 10, you can take, then we will move to the next question. Okay, move to the next question, that is question number 11. हम वापस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं. क्वेश्चन 11 क्या बोल रहा है हमको, एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट 100. अब हमें क्या करना है, पहले वाले क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने राउंड ऑफ किया था नियरेस्ट टू द 10. नाउ वी विल राउंड ऑफ राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट टू द 100. पहले हम इन दोनों डिजिट को nearest to the 100 round off करके then we will do multiply. Now move to the next question, that is question number 11, first part, 246 × 271. तो हम इसको किसमें round off करेंगे, 300 × ये राउंड ऑफ किस में हो जाएगा स्टूडेंट्स, इट विल बी राउंड ऑफ टू दी 200. वेट अ मिनट, इट विल बी राउंड ऑफ इनटू 200 एंड इट विल बी राउंड ऑफ इनटू 300. इट विल बी 3 2s are 6 एंड 2 0s and 2 0s, इट विल बी 60,000. Now move to the next part, that is second part, 428 × 361. तो ये किस में राउंड ऑफ हो जाएगा स्टूडेंट्स, इट विल बी राउंड ऑफ नियरेस्ट टू दी 400.
and 361 round off to the 400. 4 4 is 16. 2 zeros and 2 zeros. It will be 1,60,000. Now move to the next part, that is third part. 268 into 713. Again, ये किस में राउंड ऑफ हो जाएगा? 300. और ये राउंड ऑफ हो जाएगा 700, क्योंकि यहाँ पे 13 है. तो 7 3s are 21, 2 zeros as it is, and again 2 zero as it is. It will be 210,000. ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? इट विल बी 210,000. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फिफ्थ पार्ट. इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. ओके, मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. पार्ट नंबर 4, that is 268 into 713. तो ये किस में राउंड ऑफ हो जाएगा स्टूडेंट्स? इट विल बी 300 एंड इट विल बी 700. 7 3s are 21, 2 zeros and 2 zeros. नाउ मूव टू द फिफ्थ पार्ट, that is 608 into 188. So 608 किस में राउंड ऑफ हो जाएगा? 600 and 188 it will be 200. 6 2s are 12, 2 zeros and 2 zeros, it will be 120,000, or that is 210,000. Now move to the sixth part, that is 113 into 561. तो ये किस में राउंड ऑफ हो जाएगा? 100 एंड इट विल बी राउंड ऑफ नियरेस्ट टू दी 600. इट विल बी 60,000. ओके स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू ऑल दिस पार्ट्स इन योर मैथ्स नोटबुक. That's all for today. Thank you, class.